नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार सिंह। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब भी कोई गाना या कोई बंदिश उसका नोटेशन हमें पता हो, फिर भी नोटेशन जानने के बाद भी सही तरीके से गायकी नहीं हो पाती है, तो नोटेशन को हम क्या सोच कर तैयार करेंगे, क्या तरीका अपनाएंगे कि वो गायकी सही ढंग से अपने गले में आ पाए। क्योंकि क्या होता है ना कि नोटेशन सामने लिखे हैं, कोई गाना जैसे मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है उस पे सॉन्ग कैटेगरी है, नोटेशन है, कोई गाना पसंद आया, नोटेशन लिखा हुआ है, गाने का लाइन उसके ऊपर नोटेशन है, आपने कॉपी में लिख भी लिया, पर जब बजाने बैठते हैं वो स्वर निकल भी गए पर होते नहीं हैं सही ढंग से, या कोई बंदिश है वो आपने सीखा, जिस तरीके से आपने सीखा है उस तरीके से वो गले में आता नहीं है, या समझदारी नहीं आ पाती, या कभी कभी ऐसा होता है ना कि जज नहीं कर पाते कि सही हुआ कि नहीं हुआ, तो किस तरीके से तैयार करें, इस बातों पे हम चर्चा करेंगे। सही ढंग से संगीत को सीखने और समझने के लिए इंडियन म्यूजिक आर्ट मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें। यहाँ आपके हर सवालों के जवाब और बेसिक लेसन्स वीडियो के साथ अलग अलग कैटेगरी में विस्तार से समझाया गया है। गज़ल, भजन और सभी फिल्मी गानों के नोटेशन आपको यहाँ मिल जाएंगे। जा जा रे जा कगवा, जा जा रे जा कगवा, इतनो संदेशा मोरा कहीं हो, जा 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 रे जा कगवा। ये राग बिलास खानी तोड़ी की एक बंदिश है। हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कोई बंदिश का नोटेशन हमें पता हो या कोई गाने का नोटेशन, अब हम उसको करेंगे कैसे। सबसे पहले एक गाना लेते हैं, मेरे एप्लीकेशन पे एक है, मैं शायर तो नहीं, तो उसके नोट्स क्या हैं, आशा करता हूँ आप लोगों को कोमल शुद्ध स्वर इसमें डिफरेंस समझ में आता होगा। अगर नहीं आता है तो मैं ऊपर आई बटन में दे देता हूँ वीडियो की लिंक, आप वहाँ से देख लीजिए कोमल स्वर कैसे लिखे जाते हैं, शुद्ध स्वर क्या होते हैं। तो चलते हैं नोटेशन पे। नोटेशन अगर आप देखेंगे तो इसमें है, हर एक शब्द पे ध्यान देना पड़ता है। गाने का शब्द क्या है, मैं शायर तो नहीं मगर हंसते जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायर आ गए, इस तरीके से है। अब एक शब्द क्या है, मैं शायर पासा सा, हर एक शब्द पे देखिए मैं कैसे बोला गया, शायर कैसे बोला गया, किस स्वर पे है। मैं शायर पासा सा, कभी कभी दो सा नहीं रह के एक सा हो सकता है, उसमें वो गलत नहीं है, है ना, क्योंकि नोट समझना होता है कि नोट क्या है, स्वर क्या लगे हैं। स्वर को हम तीन बार भी बोल सकते हैं, मैं शायर पासा सा सा, ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं शायर पासा, एक सा भी बोल सकते हैं। तो टाइमिंग समझना है, नोट समझना है, स्वर क्या है वो समझना है, ठीक है। मैं शायर तो नहीं फसा सा गा धपा, हर एक शब्द को हम समझे, मैं कैसे बोला गया, शायर किस स्वर पे है, तो किस स्वर पे है, नहीं कैसा है, तो गा नहीं धपा। तो जब भी आप कोई गाने का स्वर निकालिए तो पहले तो बेसिक रियाज होना ही चाहिए, कोमल शुद्ध स्वर सब पता चलना चाहिए, देन आफ्टर जब गले का तैयारी हो जाए फिर गाने का रियाज करना चाहिए, या कोई गाना दिल में आए तो बजाना चाहिए। इस तरीके से हम लोग जब भी कोई गाने का स्वर निकालते हैं तो एक एक शब्द पे काम करते हैं, एक एक शब्द कैसे, अक्सर लोग पूरा लाइन कैसे है निकालने में लग जाते हैं, तो वो गलत तरीका है।
इसी तरीके से जब हम बंदिश गाने बैठते हैं, मान लीजिए कोई एक भैरव की बंदिश, अक्सर राग यमन और भैरव सबके दिमाग में रहता है, इस हिसाब से गामा रे रे सा। भैरव के स्वर तो पता ही होने चाहिए, राग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब बंदिश को अगर हम एक लेते हैं, भोर भयो चिड़िया बोले वन में भोर भयो, बंदिश कैसे तैयार होता है? एक शब्द पे ध्यान दीजिए, भोर कैसे बोला गया? भोर धापा मा भोर भयो धापा मा पामा, स्वर जो है वो एकदम सुर में होने चाहिए। चिड़िया गमरे चिड़िया गमरे बोले वन में गमरे रे सा। तो बंदिश के शब्द, एक एक शब्द जब तैयार हो जाए तब पूरे लाइन पे जाना चाहिए, और जैसा गाना है वैसा स्वर भी तैयार होना चाहिए। भोर भयो चिड़िया बोले बन में धापा मा पामा गमरे गमरे साधा पामा पामा गमरे गमरे सा। भानु निसागा, पहले पूरा लाइन सुन लेते हैं। भानु दित भयो पूरब गगन में निसा गमा पधा निसा धार सरसा धादा पा भोर भयो चिड़िया बोले वन में। अब देखिए बंदिश तैयार करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपका गला ठीक से काम नहीं करेगा, सुर ठीक से काम नहीं करेगा, आप जो स्वर गा रहे हैं और उस पर जो शब्द बैठा रहे हैं उसको आप सही ढंग से मिला नहीं पा रहे हैं, ये सभी चीज़ें हो सकती है। या जब आप पूरा लाइन का स्वर गा रहे हैं तो वो सुर में नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। निसा गामा ठीक गा के जगह गा माँ के जगह माँ, सुर में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है अभी। तो जब बेसिक तैयार हो जाए फिर ये इन सभी बातों का ख्याल रख के तैयार करना है बंदिश या कोई भी नोटेशन। तो मेन क्या हुआ? मेन यही हुआ कि सबसे पहले एक एक शब्द का नोटेशन तैयार करेंगे, फिर पूरे लाइन का नोटेशन तैयार करेंगे, साउंड को दिमाग में रखेंगे कि गाया कैसे गया है। कभी कभी क्या होता है कि नोटेशन भी सेम है, शब्द भी सेम गाएंगे पर गायकी नहीं आ पाती गले में, सजावट। चिड़िया बोले बन में, बहुत लोग गाते हैं चिड़िया बोले बन में, पर ऐसा नहीं है। चिड़िया गमरे, ये साउंड दिमाग में रखना है कि भैरव कैसे गाया जाता है। इसी तरीके से गाने के भी नोटेशंस होते हैं, सबकी सजावट होती है, वो समझ के ही तैयार करना है, तब जाकर आपको समझ आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर मिलते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी बातें कमेंट जरूर कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आशा करता हूँ आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड किए होंगे, वहाँ बहुत सारी जानकारियाँ हैं आपके सीखने के लिए। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और आशीर्वाद बनाए रखिए। अगर आप मुझसे पर्सनली गाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास दो तरह से होता है, एक वीडियो कॉलिंग के जरिए फेस टू फेस सामने बैठकर, और दूसरा व्हाट्सएप ऑडियो के ज़रिए।